start with the name of Allah Almighty. May Allah bless all of us. Farina Muhammad with you. So let's start our today's topic. Natural environment. Natural environment is divided into three categories. Lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Lithosphere, solid crust on the hot top layer of earth. ऑरेंज का पील होता है, वॉलनट का शेल होता है, ये कुछ एग्जांपल्स है जिससे हम ये क्रस्ट जो है अर्थ का ये समझ जाएंगे यहाँ पे, जिसको लिथोसफियर भी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, जिस तरह ऑरेंज को ऊपरी छिलका होता है, ठीक उसी तरह जमीन का भी ऊपरी खोल होता है जिसे क्रस्ट कहते हैं. जैसे हमारी बॉडी में स्किन होती है, वैसे ही जमीन जो है उसकी ऊपरी वाली तह को क्या कहते हैं, लिथोसफियर, क्रस्ट. लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जमीन के इस ऊपरी हिस्से में आखिर होता क्या है. जैसा कि हमने अभी समझा कि जमीन के ऊपर वाले हिस्से को क्रस्ट कहते हैं, ये तह लेयर ठोस हालत में होती है, सॉलिड हालत में. इसी के साथ साथ ये तह लेयर जमीन के बाकी लेयर्स तहों के मुकाबले में सबसे पतली तय होती है. इसकी मोटाई 8 से 40 किलोमीटर तक के दरमियान होती है और खुश्क इलाकों में क्रस्ट की मोटाई ज्यादा होती है, 40 किलोमीटर तक. क्यों? यहाँ पे हम एक एग्जांपल देंगे जिससे हमें एग्जांपल को देखकर ये समझ आएगा ये क्यों होता है. किसी जगह 8 किलोमीटर तो ये, किसी जगह 20-30 तो 40 तक ये जाता है. ये वेरिएशन क्यों होती है, क्यों किसी जगह ये जमीन जो है उसकी लेयर आधी जगहों पे मोटी होती है, आधी जगहों पे पतली, ये क्या वजह है. ये इसलिए, फॉर एग्जांपल, अगर हम घर में सब्जी दाल पकाते हैं फॉर एग्जांपल, उसमें जितने कम हम तरी डालेंगे, रस डालेंगे, पानी कम डालेंगे, तो उतनी वो मोटी हो जाएगी. तो अगर हम दाल में ज्यादा पानी डालेंगे, ज्यादा तरी डालेंगे, तो वो दाल पतली बन जाती है. बिल्कुल वैसे ही जो जिस जगह जहाँ जिन इलाकों में बारिश कम होती है, बहुत खुश्क इलाके होते हैं, बिल्कुल वहां की जमीन जो होती है क्रस्ट, जमीन का जो क्रस्ट होता है ऊपरी वाला हिस्सा, उसकी मोटाई ज्यादा होती है कंपेरेटिवली वो इलाके जहां बारिश ज्यादा होती है, वहां की जमीन, वहां का क्रस्ट जो होता है वो पतला होता है क्योंकि वहां बारिश ज्यादा पड़ती है. तो जमीन के इस जो क्रस्ट, अब हमने ये समझा एग्जांपल देके, तो अब क्रस्ट जो है जमीन, ये वो हिस्सा है जिसमें तमाम जानदार, पहाड़ और समंदर, जो कुछ भी हम जमीन, जो कुछ भी हमें जमीन पर नजर आता है, ये सब लिथोस्फीयर पर ही मौजूद होता है, जिसको हम इन अदर वर्ड्स कश्र अर्ज भी बोलते हैं. लिथोस्फीयर का दूसरा नाम है कश्र अर्ज भी. कश्र आज यानी लिथोसफियर पर ही मौजूद होता है. तो आज हमने समझा लिथोसफियर किसको कहते हैं, यानी कश्रे अर्ज क्या होता है. हाइड्रोसफियर और एटमॉस्फियर हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. थैंक्स.